बड़े कान का छेद एक मिनट में छोटा करने का सबसे असरदार घरेलू नुस्खा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल शालू। मैं हूँ शालू और आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जिसको यूज करने के बाद सिर्फ एक मिनट के अंदर आप अपनी ईयर होल्स को छोटा कर सकते हैं। कई सारे रीजन होते हैं ईयर होल्स के बड़ा होने के। जब हम शादी या पार्टी में जाते हैं तो बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहनते हैं और जब हम उनको निकालते हैं तो पहले हम अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं, उसके बाद हम अपने ईयर रिंग्स को निकालते हैं जिसकी वजह से वो खिंच कर होल बड़े हो जाते हैं। काफ़ी सारे रीजन होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी ईयर रिंग्स पहनते हैं तो उसकी वजह से भी ईयर होल बड़ा हो जाता है और उम्र के साथ साथ भी आपकी ईयर की स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज होना स्टार्ट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसकी वजह से अगर आप बड़े ईयर रिंग्स पहनते हैं तो वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट वरी, आज मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको आप 15 दिन तक लगातार इस्तेमाल करोगे तो आपका ईयर होल काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। साथ ही एक ट्रिक भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत अमेजिंग काम करती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज के लिए मेरे चैनल नेचुरल शालू को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वेल, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी, आप कोई भी वीडियो चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट्स करके मुझे शेयर कर सकते हो। सो एवरीवन, जिस चीज के मैं बारे में पहले मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ उसके बाद मैं आपको ट्रिक शेयर करूंगी। सो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए ये एलम फिटकरी। स्किन टाइटनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है फिटकरी और ईयर होल को छोटा करने के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। आपको कहीं से भी किसी भी आपको ये घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है एलम फिटकरी, जिसको दांत दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और फिर यहाँ पर मुझे चाहिए एक क्रशर। एक क्रशर के अंदर मैं फिटकरी का पाउडर तैयार करने वाली हूँ और जिसके लिए हम फिटकरी के टुकड़े को इसके अंदर डाल देंगे और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, फिटकरी का ये पाउडर आपका बन करके तैयार है और ये आपको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से इस फॉर्म में ही आपको ये फिटकरी यानी एलम पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करती हूँ और जिसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बॉल ले लेती हूँ। बॉल के अंदर आपको यहाँ पर डाल देना है फिटकरी का पाउडर। सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका ये फिटकरी का पाउडर है और मैं डाल देती हूँ इस बॉल के अंदर एक चम्मच ये एलम पाउडर। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका व्हाइट टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हो, मैं यहाँ पर कोलगेट को यूज कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर है एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज और जो कि आपकी ईयर होल को छोटा करने के लिए काम में लाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ इसमें पेपरमिंट ऑयल भी है जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। वेल, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी ईयर होल को छोटा करने में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। व्हाइट टूथपेस्ट डाल देने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर चाहिए ये एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें व्हाइट कोलगेट से कम क्वांटिटी में एलोवेरा जेल को लेना है। ये इतनी सी क्वांटिटी मैंने एलोवेरा जेल को लिया है और अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक सोल्यूशन बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस सोल्यूशन को आप 2 से 3 बार आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपके दोनों कानों का ईयर होल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है तो आप दोनों ईयर्स पर इसको आराम से यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका मैं आपको बता दूं, आप इसको सबसे पहले आप अपने जो भी ईयर रिंग्स पहना हो उसको निकाल दीजिए और उसके बाद इस सोल्यूशन को लेकर आपको अपने ईयर्स की स्किन पर अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। इस तरह से दोनों तरफ दोनों साइड आप इस सोल्यूशन को लगा लीजिए और उसके बाद आप एक सेलो टेप लीजिए, उसके बाद एक कपड़े वाली टेप से या फिर सेलो टेप की मदद से आप इसको अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब ये ड्राई हो जाएगा आप रात में इस रेमेडी को यूज कीजिए, रात में काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। रात में आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए और सुबह में आप इसको रिमूव कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ एक अमेजिंग ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने बड़े ईयर होल को आसानी से छोटा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। आपको चाहिए होगी कपड़े वाली टेप। कपड़े वाली टेप आप मार्केट से आसानी से परचेज कर सकते हैं और कपड़े वाली टेप को छोटा छोटा सा काट लीजिए जिससे कि आप इसे अपनी ईयर होल के आसपास लगा सके। अपनी ईयर रिंग को हटा दीजिए और इसको लगाकर ईयर्स के आसपास आप तब ईयर रिंग्स पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लूज स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी
और ईयर होल, बड़े ईयर होल की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो आप इस सोल्यूशन को जरूर घर पर ट्राई करके देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नेचुरल शालू को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।